सिर्फ भाजपा हुकूमत के बगैर, मोदी सरकार के बगैर कोई ये काम नहीं कर सकता है। जी जी, एक ही आवाज में आप सब बोले, आप सब कश्मीर जाना चाहेंगे? एक और बार थोड़ा जोर से, आप सब जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे। कश्मीर हमारी मातृभूमि है तो जम्मू, जम्मू हमारी मौसी बन चुकी है। मौसी बन चुकी, बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू ने हमें बहुत प्यार दिया, खंड मीठे लोग डोगरे, तो जम्मू ने हमें बहुत प्यार दिया। द राइट कनेक्ट में आप सभी का स्वागत है। सेकंड एपिसोड में आज हम आए हैं भूटा नगर की, लेकिन फेज अलग है, अलग लोग हैं यहाँ पे, कश्मीरी पंडित समाज है। आइए इन कश्मीरी पंडित समाज से बात करते हैं और जानते हैं द राइट कनेक्ट में इनकी बात और इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? टीएन कोल। टीएन कोल साहब, आप कश्मीर में कहाँ रहते थे? कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। आपका नाम? बरकन पंडता। आप कहाँ रहते थे? कुपवाड़ा। तो आपका नाम? सियाल पंडता। कुपवाड़ा में रहते? कुपवाड़ा में। आप? चिरंजी दासी। आप कहाँ पे रहते थे? मैं कुकरना में रहता हूँ। आपका नाम? महेश्वर नाथ महाराज। कहाँ पे रहते थे? कश्मीर में। कश्मीर में कुपवाड़ा का है। कुपवाड़ा। कुपवाड़ा में। आप? अनंतनाग। अनंतनाग। नाम आपका क्या? राकेश भट्ट। राकेश जी, आपगाम कुपवाड़ा। आप? बेरीनाग महाराष्ट्र। जी, आप देख सकते हैं ये हमारे साथ हैं यहाँ पे भूटानगर में। ये एक अलग फेज है जहाँ लास्ट टाइम हमने आपको दिखाया था, और ये लोग यहाँ पे हैं। इनसे जानना चाहेंगे हम लोग सब, फेज सेकंड यहाँ पे बोलते हैं, मुट्ठी फेज सेकंड क्वार्टर्स में। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि आप कब कश्मीर से पलायन हुए थे और कब से आप यहाँ रह रहे हैं? मार्च 99 में। 99 में। और आप कब से यहाँ रह रहे हैं? तब से 2006 से इन क्वार्टर में रह रहे हैं। 2006 से इन क्वार्टर में रह रहे हैं। जी सर। आप यहाँ से पहले कहाँ रहते थे? कश्मीर में कुपवाड़ा। नहीं नहीं, मतलब जब आप माइग्रेट होके जम्मू आए थे, इन क्वार्टर से पहले कहाँ? मत पूछो कहाँ, क्या हाल है हमारा। जी, जब वहाँ से निकले हम एक ट्रक में, 6 फैमिलियाँ निकली, 6 फैमिलियाँ, रात के वक्त, कोई सामान नहीं, कोई चीज नहीं साथ में है। वहाँ से आके हम यहाँ जम्मू सड़क पर बैठे 2-4 रोज, जब तक कहीं डेरा शेरा नहीं मिला। तो उसके बाद जब डेरा शेरा मिल गया तो एक साथ तकरीबन दाई बाई घूमते किराए पर, उसके बाद हम चढ़ी खाना चलते टेंटों। बहुत मुश्किल उठाए, बच्चे छोटे छोटे साथ थे, उनको पढ़ाया, तो स्कूल की वजह से वहाँ गए, थोड़ा सा टेंटों में ही सबके साथ पढ़ा हुआ। सांपों और बिच्छुओं के साथ हमने थोड़ी सी जिंदगी वहाँ भी बिता दी। तो उसके बाद हमने वहाँ से जो प्रॉपर्टी अपनी थी, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, उसको हमने कोड़ू में बेच डाला। कोड़ियों के बाबे चा। कोड़ियों के बाबे। मैंने 12 कनाल जमीन 2 लाख में। 12 कनाल जमीन। जमीन मैंने 2 लाख। कौन से साल में? है? कौन से साल में? 94-95। दर्शकों में बताना चाहूंगा, 94-95 में 12 कनाल जमीन इन्होंने कश्मीर में 2 लाख रुपए में बेची है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जी जी, उसके बाद थोड़ा सा मैंने जमीन ले ली, थोड़ी सी जमीन 2-4 मरले ले लिए, उस पर थोड़ा सा मकान बनाया, तो मैं यहीं रह रहा। मगर कहने का मतलब है, वो बाग बना था इससे बड़े दर, जिसके एक पौधे पर 45 ऐसे ऐसे 18 साल का बाग बना, वो मैंने खुद खरीदा था पहले, उसके बाद उसी को बेचा। उसके अलावा भी जो घर में जॉइंट प्रॉपर्टी थी उसको बेचा। मगर अब कहने का मतलब ये है कि बहुत मुश्किल हमने उठाए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये मेरे ख्याल से दुनिया में इतने मुश्किल किसी ने नहीं। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कश्मीर में निकलने के बाद आज आपको क्या लग रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप अपने साथ नहीं ला पाए? मंदिर, घर या व्हाटएवर जो भी चीज थी, उसमें क्या ऐसी चीज आप मिस कर रहे हैं जो आप साथ नहीं ला पाए? एक्चुअली अगर सच आप एक ही शब्द में जवाब सुनेंगे तो वो है मन का सुकून। हम चाहते हैं जो हमारे आज भी मतलब कोई स्वर्गवास हो जाता है, वो चाहता है कि हम मेरा अंत मतलब क्रिया करूं वहीं कश्मीर में, अपनी मातृभूमि में। अगर सच्चाई हम मानेंगे, मन का सुकून। आप देख सकते हैं पहले एपिसोड में भी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा जिन्होंने द राइट कनेक्ट देखा, पहले एपिसोड में भी जब हमने ये सवाल किया उनका भी जवाब था मन का सुकून। तो आप खुद ही जज कीजिए कि कितनी कमी है, चाहे जम्मू में गाड़ी हो, बंगला हो या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे कश्मीरी पंडित को मन का सुकून जो है वो नहीं है जो कश्मीर में था। बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप, क्योंकि अभी असेंबली इलेक्शन भी होने वाली है और लोकसभा इलेक्शन चल रही है, तो
तो सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? सरकार से यही उम्मीद है कि कब हमको यहाँ से उठाकर, इस जहन्नम से उठाकर अपनी उस धरती पर ले जाए। और आशा हमारी शत प्रतिशत आशा है प्रधानमंत्री मोदी, ये तो हमारा ही नहीं भारत का सौभाग्य था जो हमें इस वक्त ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने हिंदुत्व को जगाया, जिन्होंने हर एक के मन में ये मतलब पॉलिटिकली एम्पावर किया। ये मेरा कथन ये है, मेरा कहना यह है कि अगर मेरी खून का एक एक बूंदी मोदी पर निशावर हो, मैं तैयार हूँ उसके लिए। और हर कोई हिंदुस्तानी, चाहे कश्मीरी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, हर किसी को यही भाव रखना चाहिए कि देश के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। जी जी, आपका कहना है कि हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमारे देश के लिए क्या हो रहा है, हमें अपने देश के लिए करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। हमारी कम्युनिटी की अगर बात करें, जब विस्थापन हुआ था उस वक्त भी भाजपा के ही लोग यहाँ जम्मू में घर घर आकर क्या क्या नहीं दिया, सरकार का रुपया 200-300 रुपये सरकार देती थी, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता ही यहाँ हमें घर घर जाकर मसाला तेल वो ये सब कुछ मतलब ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने हमको फराहम किया उस एट दैट टाइम कराया। जी कास्ट करूँ महाराज, तो क्या छो एज क्या छोटा है? एज हो गया हमारा 80 से ऊपर है। 80 से ऊपर है, हाँ। तो क्या कोशिश पट्टी करो इसका, ठीक है? तो क्या तकलीफ छू, ये छवा क्या परेशानी प्रॉब्लम चला, ये क्या परेशानी, ये तीस परेशानी फिलहाल, ये तीस परेशानी छी के एक कमरे में जमा रहा है, ये दिस गवर्नमेंट ऑफ अतुल ठाकरे आ कर वो इन में सके मोदी से मेहरबानी से जन दे तो की, मगर ये खंड दम हो योर न फेरा सोन बचन लगा कुन जाए क्या चीज न लगा के सन बच मारा गसर कर नेवर रशिया तो तपर की कर कर मगर नौकरी लगी इसने की क्या ले जाए इस गवर्नमेंट जी भाई फारूक साहब सब बनते जी तेम से दराज कसा तो छुड़ो है ना बरके तो छुड़ो ना बरके ये वो फारूक साहब पान पान अच्छा वो कह के क्या हुआ ना भारत बस इस समय कर 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 सही तकदीर की मगर मगर मार मार गए बुझ मरा बुझ क्या बहुत सुनने की नौकरी करा मारा मसा उस गुजार कर घर मकान तो मकान तल त्रे मकान वह त्रे मकान तल क्या हता क्या गोन लोकन बो वन क्या मत क्या गो अगर मकान मे बनो अोल बोल तह मकान खेजो तु मगर थो मौजूद क्या थोजो मौजूद मगर कर रिलीफ आ तथ त मारा कर दान दिल तथ नसल तथ नस कर मारा दान दिल वापस नहीं कम पोस ठीक है। देख सकते हैं कितने भावुक भी हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि वो मकान की बात जब इन्होंने की, इनके तीन मकान थे जो कि नहीं वो जला दिए गए थे और अभी भी उस याद में ये जी रहे हैं। तो छो अगर तो वापस नहीं हुई सरकार तो किस या वापस नहीं सर तो कस पेट कस होगा सो पने जाए कछ दी तो मत होग नहीं तो चला के एक जाए दे न्यू बेक एक जाए दे जमीन बेक जाए एक दे हर ने एक जमीन के सके कट गई क्या जी खे कब्जे करना वर मरा फाट रहे रिस आइटम सुई गो तुमन। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी यहाँ पे आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत परेशानियां भी हैं, तो क्या लगता है आपको कि अगर आपको भी मौका दिया जाए वापस जाने की बात होगी आने वाले समय में, तो आप वापस जाएंगे? जरूर हम जाएंगे, अगर सरकार कुछ भी कर सकता है, मकान भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, हम जाने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हमारा सुकून यहाँ पर है नहीं, अगर पैसा भी है, घर भी है, कमरा भी है गवर्नमेंट का, मगर फिर भी हमारा सुकून नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका सुकून इस वक्त वहाँ ही, दिमाग उसी की तरफ है जहाँ उनकी मातृभूमि है, वहाँ ही है। मगर ये कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ भाजपा हुकूमत के बगैर, मोदी सरकार के बगैर कोई ये काम नहीं कर सकता है। जी जी, हम ये आप सब से एक ही शब्दों में, मैं चाहता हूँ कि आप सब से मैं पूछूं एक ही बार और आप जोर से बोलें, कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा पीछे से कवर करें, क्योंकि अभी मैं ये चाहता हूँ कि एक ही आवाज में आप सब बोले, आप सब कश्मीर जाना चाहेंगे? एक और बार थोड़ा जोर से, आप सब जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे। देख सकते हैं आप जो धारणाएं बनाई जाती हैं कश्मीरी पंडितों के लिए कि वो वापस नहीं जाना चाहते, और ये दूसरे द राइट कनेक्ट के एपिसोड में ही क्लियर हो गया है कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो सब वापस जाना चाहेंगे।
मैं बात करना चाहूंगा आपसे एक और बार फिर से कि एक और आवाज उठ रही है समाज में कि हमारे वैसे गद्दावर लीडर कम्युनिटी में नहीं है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इस कम्युनिटी में विद इन कम्युनिटी इलेक्शन होनी चाहिए जिसमें एक नेता चुना जाए जो आगे हमें रिप्रेजेंट करेगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है, इलेक्शन हो और अपना इलेक्टेड नेता एक हो हमारा, हम इसके लिए बिल्कुल मतलब हमारा सपोर्ट है इस बात के लिए। आप चाहते वो भी हाँ। कोई कैंप का होना चाहे जिसको जिसमें ये दर्द होगा कि मैं हिंदू कम्युनिटी के लिए जो कश्मीर से निकले हैं उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो भाजपा सरकार को समझाए कि इन 35 सालों में कश्मीरी पंडितों को क्या हो गया है यहाँ जम्मू में या बाहर, कि उन्होंने कितनी सख्ती उठाई है, न किसी को नौकरी जो आई है, मतलब कि नौकरियां 6000 पोस्ट आए हैं वो सिर्फ कांग्रेस के हैं। भाजपा सरकार अगर हमारे बच्चों को नौकरी दे देगा वहां रोजगार मिलेगा, क्योंकि किसी के पास इस वक्त किसी कश्मीरी के पास जमीन है नहीं कि उसका बच्चा कोई जमींदारी करे, कोई अनाज उगाए, वो नहीं कर सकता है। अगर उनको नौकरी मिलेगी, अगर हम तैयार हैं, हम सारे मतलब के यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन एक बात, हाँ। वापस हम अपने शर्तों पर जाएंगे जी, अपनी शर्तों पर, क्योंकि ये वापस जाना बेशक कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, लेकिन हम कैंप में रह रहे हैं तो उस हिसाब से जैसे हमारे लीडर हैं, हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हमारी 10 ऑर्गेनाइजेशन है या 20 ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत काबिल इंटेलिजेंट हैं, तो वापस जाने के लिए या तो हमारा एक स्थान हो या एक बहुत बड़ी टाउनशिप हो, एक अच्छा मतलब जैसे स्मार्ट सिटी मोदी सरकार ने बोला था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हमारे लिए एक सामूहिक स्मार्ट सिटी बना दे माइग्रेंटों के लिए कश्मीर में और हम बैठेंगे आराम से उधर। जी जी। अच्छा, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि अगर जब आप वापस जाएंगे तो यहाँ से कोई ऐसी चीज आप ले जाना चाहेंगे जम्मू से वापस अपने साथ? अपने साथ तो क्या ले जाना चाहेंगे, कुछ नहीं, बस हम यही जम्मू से एक चीज जरूर लेंगे, कश्मीर हमारी मातृभूमि है तो जम्मू हमारी मौसी बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू ने हमें बहुत प्यार दिया, खंड मीठे लोग डोगरे, तो जम्मू ने हमें बहुत प्यार दिया, जम्मू को कोटि कोटि नमन। बिल्कुल, कोटि कोटि नमन जम्मू को। हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर आपसे बात करें, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, यहाँ। आप जॉब वॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब कर रहे हैं सर। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं? किसमें आप जॉब करते हैं? मैं टाटा में करता हूँ। टाटा में जॉब करते हैं? जी जी, टाटा में। आपको क्या लगता है कि अगर आपको भी बोले वापस जाने के लिए आप तैयार हैं? क्यों नहीं सर, जाएंगे सर, अगर नौकरी दे देंगे तो जाएंगे, उधर रह भी सकते हैं। दूसरी बात है, हम एजुकेटेड होके इधर अनएजुकेटेड बन गए, बेसिकली अभी जॉब प्लेसमेंट हमारे को नहीं हो, हम इंतजार करते करते हम बूढ़े होने को चले। अब ये है कि इन बेवाफा हमारे बच्चों के नौकरी लगाएंगे वहां पर, देन वी हैव टू गो। हाँ बिल्कुल, जा सकते हैं। बिल्कुल, हमारी मातृभूमि है, वंदे मातरम। बिल्कुल, हम क्यों नहीं जाएंगे, उधर सुकून है। अभी हम बिना सुकून के बैठे कब जाएंगे, कब जाएंगे, वो टाइम कब आएगा जब मैं बैक नो कश्मीर। हम ये जानना चाहते हैं कि वो वक्त जल्दी से जल्दी आना चाहे कि हम जा सके, हमारे हमारी मातृभूमि जो जन्मभूमि है हमारी, हम जा सकते हैं। जी, ये बीजेपी की सरकार की मदद से हम जा सकते हैं, बाकी किसी की मदद की ना वो कोई नहीं करेगा, खाली बीजेपी सरकार मोदी सरकार कर सकती है काम, बाकी कोई नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि तौशवा कशीर गसन, आप जाते हैं वहाँ पे? नहीं, कभी नहीं गए। आप तब से कभी नहीं गए? नहीं गए। आप क्यों? वहाँ डर लगता है, वहाँ जो हमारी जमीन थी, हाँ। हमने जो दूसरा प्लाट भेजा है किसी को, उसने हमारा मकान भी गिरा दिया, और जो उसके नीचे जमीन थी 9 मरले 3 मरले के बदले 9 मरले ले गया। अब दूसरी जगह भी मकान जो उसका भी मुआवजा नहीं मिला, तो और त्रहगाम में जो मकान था उसका भी मुआवजा नहीं आया, हमें अभी तक गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिला। तो अब हम जाएंगे जब ऐसा वातावरण होगा जी कि हम दोबारा तीसरी बार चौथी बार नहीं यहाँ आएंगे, मतलब माइग्रेशन अब नहीं होनी चाहिए, ऐसा मतलब वहाँ यूनियन टेरिटरी बननी चाहिए, ऐसा वातावरण जाए, हम एक ही जगह होनी चाहिए सारे, क्योंकि वहाँ अब वो अपने गांवों में जाने के लिए वातावरण नहीं है। देखिए, आप देख सकते हैं कि आम कश्मीरी पंडित की आवाज क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, उनके साथ क्या, और ये तो गए नहीं है वहाँ पे। हाँ, किस तरह जी बताइए, किस तरह तो जो जो
सलमतवारी में जो हमारा कोपवारा में एक गांव है वहां हम रहते थे, वो तीन मंजिला मकान था, उसको जलाया गया, उसका अभी तक पैसा नहीं दिया गया। और त्रहगा में जो मकान था वो दो मंजिल का था और उसके नौ मरले नीचे थे, तो उस और उसका जो बंदा वहां से आ गया वो हमने यहां दमकाने लगा जगदी में कि आप वो तीन मरले हमें दे दो। हमने तीन मरले दूसरा दे दिया जिसमें हमारा मकान नहीं था। उसने क्या किया, उसने शैतानी की, हमसे धोखा दे दिया। उसने नौ मरले हमसे लिए, हम 12 मरले हैं, नौ मरले अलग हैं, तीन मरले अलग हैं। उसने हमने 12 मरले छीन लिए और मकान भी और सारा कुछ उसने छीन लिया। ये देखिए अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। जब हम आम कश्मीरी पंडित उनकी जो तकलीफें हैं उनके बारे में बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो हमारे यहाँ पे पीछे भी एक अंकल खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। तो तयवंतो में तो क्या शुभ नाम? मोतीलाल। मोतीलाल जी तवनी में तो क्या छु कशीर तेरवा तो कशीर तारा दादा कशीर क्या छु अच्छा तो इस वक्त गसान के निमन बरियन गेवा तो जा तो आग एक दो लाइट गए एक दो लाइट गेवा तो रिसर गए टिकर ताई थी टिकर ताई गए होता है। हां अच्छा यात्रा इससे गए। हां अच्छा टिकर ताई थी गए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आप कश्मीर गए हैं जाते हैं? हां मैं गया हूं। कब गए आप? मैंने एक्चुअली बहुत सर्विस वहीं की 2006 तक मैंने सर्विस वहीं की। जो बदलाव की बात करते हैं आपको आज ऑन ग्राउंड बदलाव लग रहा है? हाँ बदलाव लग रहा है आफ्टर ये 2014 के बाद। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि जब हमारे ये ट्रुप्स आर्मी के ट्रुप्स जब कुपवाड़ा से टंगडार बॉर्डर तक जाते थे 79 किलोमीटर है डिस्टेंस, तो उसमें सुबह 6 बजे आर्मी हमारी निकलती थी, शाम को 6 बजे पहुंच जाती थी। और उस रास्ते में आदमी आर्मी वाला सोचता था कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, लेकिन आज अगर सुबह 6 बजे निकलता है 11 बजे तक टंगडार पहुंच जाते हैं बॉर्डर पे। मोदी सरकार को मेरा नमन है, मेरा सल्यूट है जी। इसके अलावा आए दिन हमारे बम ब्लास्ट होते थे, हमारे फौजियों के साथ डेली बहुरमती हो जाती थी, कत्ल आम हो जाता था, सिविलियनों का कत्ल हो जाता था हर जगह, और वो सब बंद हो गया। सिर्फ इस गवर्नमेंट कोई चीज चेंज नहीं हुई, सिर्फ एक ताकत चेंज हो गया है बिल्कुल। और आए दिन ये बोलते ना सरकार के हमने उधर मेजर ये किया, ये सर्जिकल स्ट्राइक, अगर हम दूसरी लैंग्वेज में सुने तो पाकिस्तान अगर चाहे वो उसने अमृतसर में या कहीं भी नगरोटा में कहीं भी उसने यहाँ हमला किया वो भी एक सर्जिकल स्ट्राइक उनकी थी, लेकिन कोई जवाब यहाँ से सिर्फ डोजियर तैयार करके भेजते थे। और मैं दूसरी बात ही बताता हूँ आपके माध्यम से, मैं सोचता हूँ कि जो कांग्रेस को वोट करेगा वो सबसे बड़ा पाप करता है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे जाने का जोश जो है वो बरकरार है कश्मीर जाने का, कश्मीरी पंडितों का। और आप सबको भी ये बता दें कि जो मनगढ़ंत बातें बताई जाती थी कश्मीरी पंडितों के बारे में कि वो जाना नहीं चाहते, वो ये करते हैं, वो करते हैं, वो सब चीज़ें क्लियर होंगी। और आने वाले समय में हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरे हिंदुस्तान में जितने भी आम कश्मीरी पंडित हैं उन तक पहुंचेंगे, उनकी आवाज़ टीआरएन पे लाएंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द राइट न्यूज़। बहुत जल्द फिर से आपसे मिलेंगे द राइट कनेक्ट में।